हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े दही बड़े आप मूंग दाल से भी बना सकते हैं और उड़द दाल से भी बना सकते हैं मैंने ये दही बड़े बनाए हैं दोनों दालों को मिक्स करके और ये देखिए ये कितने सॉफ्ट दही बड़े बने हैं तो चलिए देखते हैं सुपर और डिलेशस दही बड़े बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैंने यहाँ पे एक कप उड़द दाल ली है और मूंग दाल मैंने एक कप से थोड़ी सी कम ली है तो ये मैंने इसको चार से पाँच घंटे दाल को भिगो के रखा है दोनों दाल को चार से पाँच घंटे के लिए हम भिगो के रखेंगे उसका सारा पानी निकाल देंगे फिर और इसे हम एक मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं और इसका हमें बहुत बारीक पेस्ट बनाना है और पानी हम इसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम डालें ये देखिए दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है इसे अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं अब इसी जार में मैं उड़द दाल को ग्राइंड कर लूँगी इसका भी हमें बारीक पेस्ट बनाना है और पानी बहुत कम यूज़ करना है हमें इसका पेस्ट बनाते टाइम इसमें पानी नहीं डालना है और मिक्सी में इसे हमें फेंटना नहीं है कि ये मिक्सी में बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाए मिक्सी में ही इसे हम फ्लफ़ी नहीं करेंगे इसे हम बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे ये देखिए दोनों दालों का पेस्ट अब मैं मिक्स कर लेती हूँ अभी तो मैंने स्पून यूज़ किया है इसको मिक्स करने के लिए लेकिन स्पून से हम खाली इसको मिक्स कर सकते हैं फ्लफ़ी नहीं बना सकते हैं तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हाथ क्योंकि इसको हम हाथ से बहुत अच्छे से फ्लफ़ी कर सकते हैं और इसे हमें एक ही डायरेक्शन में घोलते जाना है जब तक हमारा ये बैटर फ्लफ़ी नहीं हो जाता तब तक हम इसको ऐसे ही फेंटते रहेंगे ऐसे फेंटने में कम से कम हमें चार से पाँच मिनट लगेंगे ये देखिए हमारा बैटर फुला फुला सा हो गया है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो गया है ये और इसमें इसको फेंटते टाइम हम डालेंगे थोड़ा सा नमक आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं थोड़ा सा अदरक भी काट के डाल सकते हैं मैंने इसमें मिर्च नहीं डाली है अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया है तो इससे हम बड़े बनाएंगे लेकिन उससे पहले हम एक बर्तन में लेंगे पानी एक लीटर के आसपास पानी हम लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग और एक चम्मच नमक बस पानी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ़ हींग और नमक मिला के इसको मिक्स करके रख देंगे ताकि इसमें हिंग की अच्छे से खुशबू हो जाए अब एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे हमें अपने बड़े फ्राई करने हैं ये देखिए ये कितना फ्लफी बैटर है और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके राउंड शेप में डालेंगे और साथ ही साथ हम इसके ऊपर कड़छी से तेल डाल लगाते रहेंगे ऊपर इससे क्या होगा कि हमारे बड़े बहुत ज़्यादा फूले फूले बनेंगे और एक साइड से ज़्यादा तले हुए नहीं रहेंगे तो इसलिए ये चारों तरफ से सिक जाएंगे तो इसे हम कड़छी से हिलाते रहेंगे तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है मीडियम फ्लेम पर रखना है अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल होगा तो हमारे बड़े एकदम से बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे तो इसलिए हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और कच्छी से इसके ऊपर से तेल लगाते रहेंगे ताकि हमारे बड़े जो हैं चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएं ये देखिए ये हमारे बड़े अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं और ये बहुत ही सुपर सॉफ्ट बड़े बने हैं इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखिए और ये हम गरम ही जो है इसको हम बर्तन में जिस बर्तन में हमने पानी लिया था उसमें इसको हम डाल के और आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे जिससे कि हमारे बड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे अब एक दूसरे बर्तन में हम लेते हैं दही और दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे ये आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं और अब इसमें मैं डालूंगी दो चम्मच पाउडर्ड शुगर आप चाहें तो मीठा थोड़ा सा ज़्यादा भी कम कर सक ज़्यादा भी कर सकते हैं या कम भी कर सकते हैं बस दही में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसको हल्का सा फेंट लेंगे ये देखिए हमारे बड़े फूल कर तैयार हो गए हैं अच्छे से पानी सोख लिया है अब हम इसका पानी सारा नहीं निचोड़ेंगे सिर्फ़ इसको हल्का सा निचोड़ना है हमें ज़्यादा नहीं निकालना है ये देखिए बड़े कितने सॉफ़्ट हो गए हैं ऐसे ही एक एक करके हम सारे बड़े निकाल लेते हैं ये देखिए इसका पानी ऐसे थोड़ा सा स्क्वीज करना है ज़्यादा पानी स्क्वीज नहीं करना है ये हमें सारे बड़े निकाल के रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है जितनी आपको ज़रूरत है उतने आप बड़े निकाल के और आप तैयार करें बाकी जो बड़े हैं उनको पानी में ही रहने दें अब जो हमने बड़े स्क्विज करके निकाले हैं उनके ऊपर हम डालेंगे मीठा दही भुना हुआ ज़ीरा और काला नमक और तीखा आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसके ऊपर से हरी मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं थोड़ा सा धनिया भी काट कर डाल सकते हैं ये इमली की चटनी जिससे कि हमारे दही बड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरी चटनी अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप हरी चटनी थोड़ी सी ज़्यादा डालें और इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए इससे दही बड़े हमारे बहुत ही कलरफुल लगते हैं तो ये देखिए ये हमारे दही बड़े तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं तो दोस्तों मेरी ये दो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक